आओ बच्चों, हेलो बच्चों, आओ आप आज पढ़ते हैं लॉग के अगले लेक्चर के बारे में। लॉग का कल तक हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि कुछ प्रॉपर्टी के ऊपर सवाल, मैंने एक पूरा एक बार बोर्ड पे पूरा सवाल लिखा था, आपने उस पूरे सारे सवाल का आंसर दिया था। अब आज जरा सा कुछ और सवाल करते हैं, कुछ और उसके ऊपर बेस पे सवाल करते हैं, फिर धीरे धीरे उसके इनइक्वालिटी में घुसेंगे। उससे पहले लॉग की जो भी बेसिक चीजें हैं, जो उसकी प्रॉपर्टी पे जितने सवाल हैं, वो कुछ कुछ सवाल कर लेते हैं। तो जैसे मान लो कि थोड़ा सा आज भी हम पढ़ने जा रहे हैं लॉगरिथमिक, लॉग के ही बारे में आज भी पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये आपका टाइम बर्बाद नहीं हो रहा है, ये आपका है, ये आपका बेसिक चीज तैयार हो रही है, जो कि लॉग में थ्रू आउट पूरे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ कहीं भी यूज होने वाला है। मतलब ये नहीं कि ये लॉग आईआईटी में कुछ सालों से पूछ नहीं रहा है तो ये हमारे काम का नहीं है। आईआईटी में भले नहीं पूछ रहा, लेकिन सबसे ज्यादा काम का यही है, क्योंकि ये फिजिक्स में भी यूज होता है, केमिस्ट्री में भी यूज होता है, मैथ में तो मतलब है ही, मैथ तो है ही, मैथ में तो हर जगह यूज है। तो आओ कुछ और सवाल पे बात करते हैं। एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ा था कि प्रॉपर्टी थी कि a की पावर लॉग बेस a x, अगर ऐसा है मतलब जो इसका बेस है वही इसका बेस है, तो बेस बेस होने की वजह से ये आपका दोनों हट जाता है, सिर्फ बच जाता है x। क्यों ऐसा हो जाता है? क्योंकि एक प्रॉपर्टी पढ़ा था और जो आखिरी 12 या 11 नंबर की प्रॉपर्टी थी, कि जिसको मैंने कहा था हंसते खेलते मुस्कुराते हुए, ये अगर है लॉग बेस बी यहाँ पे एक्स, मैंने कहा था हंसते खेलते मुस्कुराते हुए एक दूसरे को अपनी वैल्यू यानी एक दूसरे के इंटरचेंज कर सकते हैं, यानी एक्स की पावर लॉग बेस बी ए हो सकता है। तो सोचो, अच्छा एक और प्रॉपर्टी पढ़े थे कि अगर यहाँ पे भी ये सेम और ये वाला सेम, तो मैं बोला था कि खुद से सवाल करेंगे कि ए की पावर कितना किया जाए, ए की पावर कितना किया जाए कि ये ए हो जाए, तो ए की पावर एक किया जाए तो ए हो जाए, मतलब दोनों अगर नंबर सेम हो जाए तो यहाँ पे वैल्यू वन हो जाती है। यार सोचो कि वैसे ये हंसते खेलते मुस्कुराते हुए यहाँ जाएगा, ये हंसते खेलते मुस्कुराते हुए यहाँ आएगा, तो ये वाला वैल्यू यहाँ जाते ही दोनों इसको इस लॉग को दिखा, अरे ये क्या मेरे पास में ए आ गया, और ए आ गया मतलब मैं भी ए तू भी ए, चलो मिलके खत्म हो जाते हैं, मतलब दोनों खत्म बन के वन दे दिए, और वन देके मतलब यहाँ पे एक्स था तो वैल्यू एक्स आ गई। तो ये आपका पूरा सिस्टम है। इस प्रॉपर्टी पे कुछ सवाल करते हैं, जैसे 2 की पावर लॉग बेस 2, 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, फटाफट बोलो। अगर मान लो 1/2 लॉग बेस 2 की वैल्यू 3 होगा, या 3 की बजाय मैं 5 ले लेता हूं, तो क्या हो जाएगा? तो देखो ये दोनों सेम होते ना, ये पावर में है, अगर ये सेम होते हैं, ये भी 2 है ये भी 2 है, तो काम बन जाता। तो इस नीचे से ऊपर भेजेंगे तो एक पावर -1 हो जाता है, और ये पावर है ये आपका लॉग बेस 2/5। आप जानते हो पावर पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, ये पढ़ा होगा बचपन में, बचपन का मतलब अभी भी बचपन ही है, लेकिन बचपन का मतलब थोड़ा और बचपन में पढ़ा होगा, मतलब जब छोटे बच्चों के यानी क्लास 6, 7, 8 में रहे होंगे तब पढ़ा होगा कि पावर पावर मल्टीप्लाई हो गया, तो ये हो गया ये। और आपने अभी कल पढ़ा कि इधर का पावर इधर आता है तो इधर की वैल्यू इधर जा सकती है, इधर वाली वैल्यू इसके ऊपर जाके बैठ जाएगी, इसके सर पे आके सर पे बैठ गई, चढ़ गई। अगर ये सर पे है तो सर से उठा के कंधे पर लटका लिया, दोनों काम हो सकता है, कि उठा के कंधे पे लटकाया या यहां से उठा के सर पे भेज दिया, दोनों ही चीज हो सकता है। बोझ भारी लगा तो कंधे पे, कंधा से दर्द करने लगा तो सर पे, तो ये चला गया सर पे चला गया, यानी यहां से बन गया ये 2 की पावर लॉग बेस 2 5 की पावर -1। अब देखो इस 2 को इस लॉग को दिखा कि मेरा बेस सेम, और इस 2 को दिखा कि अरे मेरे ऊपर जो लॉग है इसका बेस सेम है, दोनों सेम सेम, अरे हम तो होंगे खत्म, और खत्म होके 5 की पावर -1, और दुनिया वाले इसको 1/5 बोलते हैं, क्योंकि जब ये नीचे जाएगा तो पावर -1 हट जाएगा, तो नीचे 1/5 हो गया। अच्छा मान लो ऐसे है, अभी मैं दे रहा हूं 1/3 की पावर लॉग बेस 3/7, लॉग बेस 3/7 की वैल्यू, ये यहां पे 1/9 दे रहा हूं, 1/9 क्या वैल्यू हो जाएगी बच्चों, जरा बताओ निकालो, ये आप लोग निकालो। एक और सवाल दे रहा हूं कि 9 की पावर लॉग बेस √3 8 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये दो वैल्यू जरा निकालो। तो सब लोग बैठ के आराम से निकालें, फिर मेरा सोल्यूशन देखें।
आई होप आपने निकाल लिया होगा क्या किया कि ये तीन दिखा, तो कोशिश तो यही है हमारी कि यहाँ भी तीन बनाया जाए। कोशिश क्या है हमारी कि यहाँ भी तीन बनाया जाए, अगर यहाँ भी तीन दिख जाए, ये भी तीन दिख जाए, तो दोनों तीन तीन होते ही उड़ा उड़ा यानी गायब हुआ। गायब होने का मतलब पहले तो इस नाइन को मैं लिख सकता हूँ ऊपर भेज के कि नाइन की पावर माइनस वन, या इसको थोड़ा सा और ठीक से लिखे तो लिख सकता हूँ वन अपॉन थ्री की पावर टू, और ये लिखा है लॉग बेस 37। अब ये तीन की पावर दो ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा कि ये आपका बन जाएगा थ्री की पावर माइनस टू इंटू और इसकी पावर लॉग बेस 37। अब जरा देखो ये पावर पावर फिर मल्टीप्लाई होगा तो मल्टीप्लाई होके बन जाएगा 3 की पावर माइनस 2 लॉग बेस 37। अब जरा बोलो फिर से कंधे वाला बोझ सर के ऊपर आया, कंधे वाला बोझ सर के ऊपर आया तो ये हो जाएगा 3 की पावर लॉग बेस 37 की पावर माइनस 2। ये दोनों उड़ा, 7 की पावर माइनस 2 का मतलब 1/7 की पावर 2 मतलब 1/1 आंसर हो गया 49। आई होप समझ में आ गया होगा। अगले सवाल पे बात करते हैं। यहाँ पे 9 है, 9 को √3 की पावर में कन्वर्ट करना है। मतलब आसान, एकदम आसान सी चीज है कि देखो क्या है कि भाई हम कह सकते हैं कि 3 का स्क्वायर लिखा है 9 को, दुनिया वाले और आप भी, दुनिया वालों में आप भी आते हैं, तो इसको कह सकते हैं कि ये लिखा है √3 और ये 3 का स्क्वायर लिखा है 3 के, तो 3 को भी तो हम लिख सकते हैं कि ये √3 का स्क्वायर लिखा है, और √3 का स्क्वायर और ऊपर से 2 एक और है तो पावर 4 हो गया, पावर पावर मल्टीप्लाई हो गया तो ये हो गया लॉग बेस √3 8। अब जरा देखो तो बच्चों ये आपका चढ़ के चला गया इसके ऊपर तो ये हो गया √3 पावर लॉग बेस √3 8 की पावर 4। फाइनली आंसर आ गया यहाँ से, देयरफोर 8 की पावर 4 आंसर आ गया, ये दोनों उड़ गया। तो आपको समझ आ रहा होगा, ऐसे ही हम बहुत सवाल कर सकते हैं। जरा सा एक सवाल और मैं पूछ रहा हूं। सवाल है इफ k की पावर लॉग बेस 2 5 इक्वल टू 16। ध्यान से देखो बच्चों सवाल, k की पावर लॉग बेस 2 5 इक्वल टू 16, देन फाइंड k की पावर लॉग बेस 2 5 का होल स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, इसको बताना है आपको। देख लो ध्यान से फिर सवाल देखो, k की पावर लॉग बेस 2 5 इक्वल टू 16, ये सवाल दे रखा है कि इतनी बात सवाल ने, सवाल को पता है कि इसकी वैल्यू 16 है, तो आपको बताना है के की पावर लॉग बेस 2 5 का होल स्क्वायर। बिल्कुल, मैं इस सवाल के लिए पीछे आपका सब कुछ तैयार कर दिया हूं, होता है ना कि हथियार भल्ला सब कुछ आपको तैयार कर दिया हूं, लड़ना भी सिखा दिया हूं, लड़ने के लिए आपको फाइट करना है, मतलब अब तो लड़ने के लिए सारा मंत्र मिल चुका है, यूज तो आप ही को करना है। जरा एक बार के लिए बदल बनाए, मैं एक मिनट का वेट कर लेता हूं आपके सॉल्यूशन का, आपके आंसर का। तो सॉल्यूशन देखते हैं बच्चों, एक मिनट से ज्यादा का सवाल नहीं है, आप आराम से देख, आराम से इसको बनाओ, बना लो। तो आपका किसी का आंसर आ गया 625, ठीक है बिल्कुल। तो ये आपका हो जाएगा k की पावर, देखो क्या है कि हमसे पूछ रहा है सवाल में k की पावर log बेस 2 की पावर 5 का होल स्क्वायर, ये अपने से पूछ रहा है। एक बात अभी हमने सुना, इधर कहीं देख रहे थे कि पावर पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, जैसे यहाँ पे पावर पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, तो क्या ये भी, क्या एग्जैक्टली ऐसा ये भी लिखा रहा होगा क्या कि लॉग बेस 2 5 इंटू लॉग बेस 2 5, मतलब दो ऐसी नंबर मल्टीप्लाई, होल स्क्वायर का मतलब तो यही होता है। अच्छा ये भी, क्या मैं इसको आगे ये भी लिख सकता हूँ क्या, आगे k की पावर log बेस 2 5 का होल पावर log बेस 2 5, पावर पावर मल्टीप्लाई। सोचो यहां से यहां आने में कितना आसान है, अगर सवाल ये देता तो यहां से यहां आना आसान है, यहां से थोड़ा उल्टा सोच के जाना वहां कठिन है,
क्योंकि अच्छा मैं सोच क्यों रहा हूं उल्टा, क्योंकि सवाल में तो हमको इसके वैल्यू पता है बच्चों, ये थोड़ी पता है कि हमको इसको वैल्यू थोड़ी पता है, हमें तो इसका पता है। तो हमारे दिमाग में एक चीज चल रहा है कि कहीं से ऐसा चीज दिख जाए तो मैं 16 से उसको हटा दूं, गायब कर दूं 16 से, एकदम वो अदृश्य हो जाएगा, एकदम इनविजिबल हो जाएगा 16 से। यहां पे ये दिख गया, दिखते ही आपने फाइट मारा कि बस 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 यही तो हम ढूंढ रहे थे, लॉग बेस 2 5। मिलते ही आपने कहा ये तो अब तो हमारा ऊपर का, ये तो हमारा बिल्कुल जाना पहचाना मैदान है, यहां तो हम फतह कर लेते हैं। क्या 16 तो क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 4, क्यों? क्योंकि यहाँ पे बेस 2 है और ये लॉग बेस 2 5, ये पावर पावर है, पावर पावर फिर मल्टीप्लाई हुआ तो 2 की पावर 4 लॉग बेस 2 5 ये यहाँ पे चला गया इसके सर पे, तो 2 की पावर log base 2 5 की पावर 4 ये दोनों उड़ गया, 5 की पावर 4 आता है 625। बात समझ में आ गई, जिसका 625 आंसर आया था वो सही है, बिल्कुल परफेक्ट है, बाकी लोग भी कोई दिक्कत नहीं है, और थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो आता रहेगा। जरा अगले सवाल पे आप बात करेंगे नेक्स्ट पे। अब अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अब इसी सेम टॉपिक पे, सेम टाइप का ही सवाल है, इसी पे ही सवाल है कि a की पावर log बेस a एक्स होगा तो आपका दोनों बेस बेस सेम हुआ तो ये उड़ जाएगा यानी गायब हो जाएगा, क्या बन जाएगा आपका एक्स। और अभी जो पिछला सवाल किया कि a की पावर वाला, इस पे दोनों सवाल इन्हीं दोनों के बेसिस पे हम सवाल करते हैं। जैसे सवाल आपका क्वेश्चन है आपका कि गिवन है a की पावर log बेस 3 7 इक्वल टू a की पावर log बेस 7 इक्वल टू 27 एंड b की पावर log बेस 7 11 इक्वल टू 49। तो आपसे पूछ रहा है सामने वाला कि आपको बताएं देन फाइंड बिल्कुल सिमिलर सवाल। देखो a की पावर log बेस 3 7 का स्क्वायर प्लस a की b की पावर log बी 7 11 का स्क्वायर, इसकी वैल्यू पूछ रहा है, तो जरा बनाइए कि कितना आएगा, जरा बनाओ फटाफट। तो आप सॉल्यूशन पे बात कर रहे हैं, सॉल्यूशन जरा देखते हैं, बिल्कुल सिमिलर a की पावर log बेस 3 7 का होल स्क्वायर आपका ये प्लस ये b log बेस 7 11 का होल स्क्वायर। तो क्या करेंगे इसको अपन लोग, अभी थोड़े पिछले सवाल में हमने देखा ये log बेस 3 और ये पावर पावर अगर है तो ये मल्टीप्लाई हो सकता है log बेस 3 7 प्लस यहाँ पे भी b की पावर log बेस 7 11 और आपका ये हो गया कि इनटू यहाँ पे फिर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं 11, फिर क्या हो जाएगा। अब आप एक और प्रॉपर्टी पीछे समय में पढ़ रहे थे, जस्ट अभी पहले पढ़ रहे थे कि ये आपका पावर बेस 7 का होल स्क्वायर यानी इसकी पावर भी ये लॉग बेस 3 7 हो जाएगा, फिर प्लस यहाँ पे भी ये बी लॉग 7 11 का ये भी ही पावर हो जाएगा लॉग बेस 7 11। अब जरा देखो बच्चों इसकी वैल्यू कितना हमें सवाल में दिया दे रखा है, तो हम चूंकि इसको कोशिश हमारी यही थी कि इसको हम इस टर्म में कन्वर्ट कर लें, कोशिश क्या थी हमारी इस वाले को अगर ऐसा कन्वर्ट कर ले तो हम अपना इसकी वैल्यू पूरा इसकी वैल्यू उठा के 27 सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो सब्स्टिट्यूट किया हमने, ये हो गया आपका 27 का पावर लॉग बेस 3 7 प्लस, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो, तो यहाँ पे क्या देख रखा है सवाल में 49 की पावर log बेस 7 और यहाँ हो गया है आपका 11। ये तो सवाल अपनी तरफ से दे रखा, ये बातें अपनी तरफ से हो गया, बट स्टिल अपन लोग और भी इसको आगे सिंप्लीफाई कर सकते हैं मैथमेटिक्स से, आप अनटिल अनलेस जितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं करिए, कोई किसी को कभी कोई मना नहीं करेगा सिंप्लीफाई करने से। देखो अभी जो पीछे प्रॉपर्टी अपन देख रहे थे कि वो लिखा है कि a की पावर x वाली जो प्रॉपर्टी है कि a की पावर log बेस a x बराबर x, तो अगर कहीं से पावर में log है तो आपके दिमाग में ये बात चलनी चाहिए कि बेस भी वही और यही अगर हो जाए किसी भी तरीके से तो हम दोनों को गायब करके सिर्फ x की वैल्यू हम लिख सकते हैं, ये वाली
आपको दिमाग में आपका ये वाली प्रॉपर्टी चलना चाहिए, दिमाग में आना चाहिए कि नहीं दोनों एक बार सेम कर ले। तो पावर में लॉग है तो अगर ये बेस में तीन है, यहां भी अगर तीन आने की कोई संभावना है तो हम बनाएंगे, अगर नहीं संभावना होगी तो नहीं कहेंगे, लेकिन अगर आने की कोई संभावना होगी तो हम उसको तीन के टर्म में कन्वर्ट करेंगे। जैसे अभी हम कन्वर्ट करें इसको तीन के टर्म में, तो ये हो जाएगा आपका, देखो ये हो जाएगा तीन की पावर 327 को लिख सकते हैं लॉग बेस 37 प्लस, वैसे ये भी देखो 7 बेस है तो इसको भी 7 के टर्म में अगर कन्वर्ट हो सकता है तो हम पूरी अपनी कोशिश करेंगे कन्वर्ट करने की। यहां से आ गया ये 3 की पावर, फिर से वही पावर पावर मल्टीप्लाई हो गया लॉग बेस 37, यहां भी 7 की पावर 2 लॉग बेस 7 11 क्या हो जाएगा फिर बच्चों, देखो 3 आपका ये वही जो कंधे वाला है सर पे जाके बैठ सकता है, यहाँ पे इसके कंधे वाला जो है इसके सर पे जाके बैठ सकता है, सर से कंधे पे आ सकता है, तो सिमिलर तरीके से। अच्छा किसी के दिमाग में आएगा कि सर अब ये भी बेस 3 हो गया, यहाँ पे भी बेस 3 हो गया तो आप यहीं पे गायब कर दो, तो नहीं बेटा यहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ पे आपका कुछ मान लो कि पी हो अब तब भी आप गायब करके एक्स नहीं लिख सकते। अगर यहाँ पे ऐसा हो कि ये पी लॉग बेस ए एक्स है तो पहले पी को यहाँ से हटाना पड़ेगा कि ए लॉग ए बेस एक्स की पावर पी, अब इसको हम लिख सकते हैं एक्स की पावर पी। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, तो ये आपका हो जाएगा 7 का क्यूब प्लस ये आपका हो गया 7 लॉग बेस 7 11 का स्क्वायर। अब बड़ा हंसी खुशी ये दोनों एक दूसरे से समझौता कर लेंगे, क्या समझौता करेंगे कि भाई तू चला जा मैं आ गया 7 पावर 3, और यहाँ पे भी बोलेगा कि अब तुम हम दोनों चलते हैं हमारा क्या काम। तो ये दोनों निकल गए। 7 का क्यूब कितना होता है किसी को कोई आइडिया, 7 का क्यूब कितना होता है भाई? तो 7 का क्यूब अपन निकालेंगे ये 49 इंटू 7 मल्टीप्लाई कर ले 121, और ये हो जाएगा आपका ये शायद 343 होना चाहिए, मुझे जितना याद है ये 121, 343 में 121 जोड़ेंगे तो 4 और ये आपका 64, यही इसका आंसर है 464। तो जिनका 464 आंसर आया था वो सही है, बाकी अब बाकी लोग भी ट्राई करें देखें कि क्यों नहीं आया, एक बार फिर से इसी सवाल को सोचे और ट्राई करें कि देखो क्या आंसर आ रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे हम लोग अब, और थोड़ा सा बच्चों एक और दो सवाल इस पे एक्स की वैल्यू फाइंड करने का करने के केस क्वेश्चन थोड़ा हम कर लेते हैं। एक बात और है कि जरा हम यहाँ पे अगर एक्स की वैल्यू फाइंड करने के क्वेश्चन करेंगे तो आप जब थोड़ा सा लॉग ज्यादा पढ़ लेंगे तो उस समय आप ज्यादा कंफर्टेबल फील करेंगे एक्स की वैल्यू फाइंड करने का। अभी पे अभी जो हम एक्स की वैल्यू फाइंड करने की बात कर रहे हैं आपका सिर्फ बेसिक दे रहे हैं कि हाँ आपका ये एक्स की वैल्यू है तो आप किस तरह से उन चीजों को निकालेंगे। सेकंड चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि अभी हम लॉग के कंडीशन के बारे में चेक ही नहीं कर रहे हैं, यानी जो भी वैल्यू हम एक्स की निकालेंगे उस वैल्यू को हम क्या करेंगे कि जो भी वैल्यू एक्स की निकालेंगे उस वैल्यू को हम वापस सवाल में चेक करेंगे कि कहीं लॉग को जिस चीज से प्रॉब्लम है वो आपको जिस चीज से आपको लॉग को प्रॉब्लम है वो चीज तो उसमें नहीं आ रही ना। जैसे लॉग को प्रॉब्लम किस चीज से होती है तो लॉग को पहली प्रॉब्लम होती है कि जो लॉग को प्रॉब्लम किससे होती है लॉग बेस ए एन। क्या समस्या है लॉग की? समस्या आपका यह है कि जो ए है जो एन है जो ये एन है वो एन आपका निगेटिव या जीरो नहीं होना चाहिए, होना क्या चाहिए पॉजिटिव। मतलब ये होगा तो लॉग को कोई आपत्ति नहीं है अनटिल अनलेस आपका निगेटिव या जीरो नहीं हो जाता है। अगर जीरो या निगेटिव होते ही हम कहें कि लॉग को प्रॉब्लम है लॉग मना कर देगा अपनी वैल्यू देने से, कहेगा कि हम एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे इस पे। दूसरी क्या आपकी है ए ग्रेटर देन जीरो और ए नॉट इक्वल टू 1, ये भी होना जरूरी है। अगर ये भी है अपने पास तो हम कहेंगे कि अभी भी लॉग को कोई समस्या नहीं है, इनके अलावा अगर कुछ भी है तो हम कहेंगे कि लॉग को समस्या है। तो अपन लोग जब एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे तो उस केस में हम लोग वापस आके चेक करेंगे कि लॉग को कोई दिक्कत या कोई समस्या तो नहीं है। जैसे मैं सवाल दे रहा हूं आपको बहुत छोटा सा, पहले उससे पहले इसी प्रॉपर्टी पे जरा और एक दो सवाल कर लेते हैं ताकि मुझे बताने में सहूलियत होगी इसी पे। तो ये आपका जो x है यहाँ पे x हो जाता है, जैसे मान लो मैंने क्वेश्चन लिखा, जरा देखो 2 की पावर log बेस 2 5 की पावर log बेस 5 6
की वैल्यू क्या हो जाएगी। देखो इस 2 से स्टार्ट करो या इस 5 से स्टार्ट करो, किसी से स्टार्ट करो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इस 2 से स्टार्ट किए, दोनों सेम हुआ, बेस और ये बेस सेम हुआ, ये गायब हो जाएगा। फिर बचेगा ये पूरी चीज बचेगी, देखो बचेगी क्या, ये 5 की पावर लॉग बेस 5 6। फिर यहां पे ये दोनों सेम हुआ, फिर ये दोनों गायब हो गया, बचेगा 6। लाइक अगर मान लो किसी ने सवाल आपको दे दिया कि अच्छा एक और इंपॉर्टेंट बात यहां पे जो मैं लिख दे रहा हूं जरा एक बात कि देखो दो तरह का लॉग होता है, एक लॉग होता है लॉग बेस 10 और एक लॉग होता है लॉग बेस ई, जिसको कि हम ln भी लिखते हैं। ln का मतलब होता है लॉग बेस ई, और इसको बोला जाता है कि यह है कंपाउंड लॉग। मैं बता चुका हूं कि यह है कंपाउंड लॉग, कहने का मतलब है कि जब पुरानी कोई बुक होगी, जो आपका जैसे आई मेरून हो गई, इरोडो पढ़ रहे हो फिजिक्स में, या हॉलैंड नाइट पढ़ रहे हो मैथ्स में, तो इस तरह की जो किताबें होंगी पुरानी, उनमें लॉग लॉग लिखा होगा, तो सिर्फ लॉग लिखा होगा, तो उसका लॉग का मतलब बेस 10 हो रहा होगा, क्योंकि उस समय सब चीजें कंपाउंड लॉग बेस 10 के टर्म में लिखी जाती थी। अभी अब इस समय रिसेंटली लॉग को ई के टर्म में लिखा जाने लगा है, जिसको कि बोला जाता है नेचुरल लॉग। यह है नेचुरल लॉग, ठीक है, ये है नेचुरल लॉग। तो ये आपको ध्यान रहे कि अगर कभी लिखा जाता है ln लिखा जाता है, तो ln का मतलब होता है, हो जाता है log बेस 10। ln का मतलब क्या हो जाता है, log बेस 10, ठीक है। तो अब जरा समय एक और सवाल दे रहा हूं, जरा यहां पे देखिए सवाल है 2 की पावर log बेस 2, 3 की पावर log बेस 3, 4 की 5 की पावर लॉग बेस 5, 7 की पावर लॉग बेस 7 की पावर लॉग बेस 7, e की पावर ln 3। क्या आंसर देगा, e की पावर ln 3 के बजाय मैं ln 10 कर देता हूं, क्या आंसर होगा। अब जरा देखो एक ही झटके में आंसर बता दो। देखो दो दो सेम दिखा, गायब हुआ, तीन तीन सेम दिखा, गायब हुआ, पांच पांच सेम दिखा, गायब हुआ, सात सात सेम दिखा, गायब हुआ, e और इसका भी मतलब log बेस e ही है, फिर भी गायब हो गया, सब एक दूसरे को गायब करके आंसर दे दिया आपको 10, यही आपका आंसर हो गया। बात समझ में आई, सबका आंसर जो आया था वो सही था। अगला सवाल, सपोज दैट, सपोज कि ऐसे लिखा हुआ है आपका कि 2 की पावर 3 की पावर लॉग बेस 3, 7 की पावर लॉग बेस रूट 7, 4 लॉग बेस 2, 3। तो इस केस में आपका क्या आएगा आंसर, ये यहां पे 7 का स्क्वायर 49 में कर देता हूं, 7 की जगह पे 49। तो इस केस में क्या आएगा आंसर, क्या है, क्या है इस बार सवाल, जरा देखो ये तीन तीन तो उड़ जाएगा, गायब हो जाएगा, 7 और 49 गायब नहीं होगा जब तक ये दोनों सेम ना हो, तो ये दोनों गायब नहीं होगा, 4 और 2 ये भी गायब नहीं होगा जब तक ये दोनों सेम ना हो। तो पहले तो यहां ये दोनों सेम मिले, ये गायब हो जाएगा, अपन लोग लिखेंगे सीधे 7 की पावर लॉग बेस, इसको 49 को 7 स्क्वायर लिख सकते हैं, कि ये आपका लिखा है 7 स्क्वायर, और ये 4 को तो 4 ही रहने देते हैं लॉग, या 4 को भी चाहे तो लिख सकते हैं कि ये 2 का स्क्वायर लिखा है, और यहां पे लिख सकते हैं लॉग बेस 2 3। अब जरा देखो हम जानते हैं कि ये वाला जो लॉग का स्क्वायर है या जो पावर है, ये इसके पावर के साथ मल्टीप्लाई हो सकता है, इस पावर के साथ क्या हो सकता है, ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई हो सकता है, ये इसके बाहर आ सकता है, देखो ये इसके बाहर आ सकता है। हमने क्या किया कि 7 की पावर आपका कर दिया यहाँ पे, कि ये वाला यहाँ पे 1/2, ये वाला 2 आएगा तो ये 1/2 बन जाएगा, और लॉग बेस 7 और ये 2 और ये पावर पावर आपस में मल्टीप्लाई, क्योंकि ये 2 की पावर है, ये पूरे का पावर है, मतलब इस पूरे का पावर है, फिर 2 की पावर है, तो सिर्फ इस लॉग में देखो ऐसे होता है, देखो ऐसे ये है, ये इसकी ये 7, फिर ये इसकी पावर, तो जो ये बचा वो इसकी पावर, ये पावर में चला रहा है, सोचो कि ये 2 की पावर है, ये ऐसे चल रहा है, ऐसे ऐसे ये 2 की पावर वाला वो इसके पास आएगा, तो ये ऊपर आके, ये वाला ऊपर आके 2 बना देगा, ऊपर आके 2 बना देगा, और यहाँ पे लॉग बेस 2 3 हो जाएगा, ये 2 से 2 कट गया, ये 7 लॉग बेस 7
टू लॉग बेस टू थ्री। अब जरा देखो ये भी सेम आंसर क्या बच गया, सिर्फ तीन। तो ये आपका इसका आंसर हो गया। लेकिन अभी हमने टॉपिक स्टार्ट किया था तो स्टार्टिंग में बोला था कि x की वैल्यू फाइंड करना है। जरा x की वैल्यू फाइंड करने वाला सवाल अभी एक छोटा सवाल में दे रहा हूँ। लाइक आपके पास सवाल है 3 की पावर लॉग बेस 3 5x माइनस 2 इक्वल टू 8। आपको बताना है फाइंड एक्स। तो आपके पास जो सवाल लिखा है बिल्कुल सिंपल सवाल है, छोटा सा सवाल है। अब एक बात देखो, ये दोनों सेम लिखा, x निकालना है, बेझिझक अपन निकालेंगे, कोई इसके लिए चिंता नहीं करेंगे कि नहीं यहाँ पे डिफाइन है नहीं है, कोई लॉग को दिक्कत है नहीं दिक्कत है नहीं। अगर ऐसे सवालों में यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि x की वैल्यू, देखो ये वाली जो इंपॉर्टेंट बात लिख रहा हूं, x की वैल्यू निकालने के बाद क्या करना है भाई, निकालने के बाद वापस चेक करना है। किसके लिए चेक करना है, लॉग के एग्जिस्टेंस के लिए। तो आप जरा निकालें, ये तीन तीन हट जाएगा, ये 5x माइनस 2 इक्वल टू 8 बचेगा, 5x इक्वल टू 10 हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। जरा अब x इक्वल टू 2 रखो, देखो तो 3 को कोई दिक्कत नहीं, इसको कोई दिक्कत नहीं है, 10 में से 2 जाएगा 8 हो जाएगा, और 8 तो कोई दिक्कत नहीं है, आंसर लॉग के अंदर 8 आ सकता है पॉजिटिव, तो इसलिए ये 2 वैल्यू सही है, यही आपका इसका आंसर हो जाएगा। अब जरा और एक सवाल देता हूं, उसको हम लोग बनाएंगे कि कैसे आपका ये लॉग की x की वैल्यू और कैसे निकालेंगे। तो फटाफट नोट कर लो, मैं इधर का इरेज करता हूं और आपका सवाल बनाता हूं, ठीक है। देखो सवाल देखो इधर बेटा, आपका क्वेश्चन है, किसी ने दे दिया आपके पास 2 की पावर लॉग बेस 2 ई एल एन 5 की पावर लॉग बेस 5 2x माइनस 5 इक्वल टू 7 फाइंड x। तो हम लोग पहले तो इसका सोल्यूशन निकालेंगे। जरा आप वैल्यू फाइंड कर ले, कोई अगर वैल्यू आप एक बार आंसर निकाल ले, मैं आंसर बोलता हूँ, आंसर मैच करा लेना कि क्या आ रहा है, आंसर फटाफट निकाल के मैं आंसर बोल रहा हूँ, जरा कोट कर रहा हूँ, जरा आप आंसर मिलाए तो आया कि आपका, तो आंसर आया होगा आपका 6 तो क्या करेंगे यहाँ पे, देखो पहले तो ये दोनों सेम, ये दोनों लॉग और ये ई और लॉग एल एन का मतलब बेस ई, दोनों सेम, पांच सेम। क्या बच गया, ये 2x माइनस 5 इक्वल टू 7, तो 2x इक्वल टू 7 और 5 इधर जाके 12 हो गया, x इक्वल टू 6। फटाफट आंसर वापस चेक करना है अपने को, वापस ले गए यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे रखा, ये 12 में से 5 जाएगा 7, किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, तो ये आपका आंसर हो गया। चेक करने के बाद हमने कहा कि यही इसका आंसर हो गया। आई बात बच्चों समझ में, ऐसे ही x की वैल्यू अपन निकालेंगे। अब एक और आपको मैं एक चीज याद दिलाता हूँ, यही याद दिला देता हूँ ताकि आगे बढ़ने से पहले आप इसका ध्यान रखें, कि अभी हम सवाल जो कर रहे हो a की पावर x में कर रहे हैं, हम अभी तक जो सवाल कर रहे हैं वो इस प्रॉपर्टी पे कर रहे हैं, a की पावर log बेस a x इक्वल टू a, x इक्वल टू x, इसके ऊपर अभी तक हम सवाल कर रहे हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो a की पावर x में अपन सवाल तो कर रहे हैं, पर कई बार ऐसा होता है कि कई सारे सवाल ऐसे होते हैं जो a की पावर x से डायरेक्ट नहीं बनते हैं। अगर a की पावर x से नहीं बनते हैं तो उन सवालों को डील करने के लिए हम इनको लिख लेते हैं e की पावर ln a की पावर x। जरा देखो ध्यान से देखो, तो अभी भी स्टिल a की पावर x से लिखा है। बोलो ln का मतलब ये log base e से ही उड़ गया, तो स्टिल यही लिखा है, और ये पावर है तो सर पे का चीज कंधे पे आ सकता है, तो ये हो गया e की पावर x ln a, e की पावर x ln a, तो ये आपका हो गया। यानी कहने का मतलब है कि अब भी हम चाहें जब कोई सवाल, ये ध्यान रखना यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है ln a, कि जब कोई क्वेश्चन a की पावर x में नहीं बन रहा है, मतलब when a question
क्वेश्चन बिकम डिफिकल्ट या कॉम्प्लिकेटेड इन ए की पावर एक्स फॉर्म देन कन्वर्ट इट इंटू किसमें कन्वर्ट कर लेना है, ए की पावर एक्स को लिख लेना है एक्स एल एन ए। ध्यान देने वाली बात यह है बच्चों यहां पे कि जो यहां पे जो आपका ए की पावर एक्स है उस ए की पावर एक्स में मैं ऐसा कहूं कि इस ए की पावर एक्स में जो पावर है वो मल्टीप्लाई हो गया, जो बेस है वो एलन के साथ चला गया। क्या जो पावर है वो मल्टीप्लाई हो गया, जो बेस है वो एलन के साथ चला गया। जैसे मान लो किसी ने कहा कि ए की पावर एक्स की पावर वाई को हम क्या लिखेंगे तो देखो ई की पावर जो पावर में है वो मल्टीप्लाई होगा, जो बेस में है वो एलन के साथ चला जाएगा। कोई कहेगा वाई की पावर जेड क्या लिखेंगे, तो ई की पावर जो पावर में है वो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, जो बेस में है वो एलन के साथ चला जाएगा। कोई कहेगा थ्री की पावर साइन एक्स को आप कैसे लिख सकते हैं, हम कहेंगे कि जो पावर में है वो साइन के साथ जाएगा, जो बेस में है वो तीन के साथ जाएगा, यानी मल्टीप्लाई हो जाएगा। जो पावर में है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो बेस में है वो एलन के साथ चला जाएगा। ऐसे किसी तरह से कोई कहेगा कि x की पावर एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स को हम क्या कर सकते हैं, तो इसको e की पावर में लिखना होगा, तो लिखेंगे e की पावर। जब सवाल इससे नहीं बनेगा, कॉम्प्लिकेटेड होगा, डिफिकल्ट होगा, मतलब इससे हमको a की पावर x को संभालना मुश्किल हो जाएगा, तो हम इसको e की पावर में लिख सकते हैं कि e की पावर एक्स स्क्वायर, तो ये जो पावर में है वो आके मल्टीप्लाई हो गया, जो आपका बेस में है वो एलन के साथ चला गया। अब इस तरह से हम चाहे तो सवाल कर सकते हैं। उसका फायदा होता है कि जब आपका बेस कांस्टेंट हो जाता है तो आपका जोड़ने या घटाने या मल्टीप्लाई करने में आसानी हो जाती है चीजों को, तो आप ये ध्यान रखें। अब आओ इसके ऊपर सवाल करते हैं, ई की पावर ए की पावर एक्स, ई की पावर एल एन एक्स एल एन ए टाइप में आप क्वेश्चन करेंगे। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करें। हाँ तो बच्चों अभी हमने देखा एक कॉन्सेप्ट, अभी देखा हमने कि ये आपका है कि अगर a की पावर x, मैंने क्या कहा a की पावर x अगर आपसे नहीं समझ रहा है, सवाल नहीं बन रहा है इस कॉन्सेप्ट के ऊपर, तो आप क्या करोगे इसको e की पावर x ln a के टर्म में आप चाहो तो लिख के और सवाल बनाओ, डेफिनेटली सवाल बन जाएगा। अगर आपसे ऐसे सवाल नहीं बने तो जैसे मान लो कि मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, जरा देखो इसी के ऊपर कि सवाल लिखा है x ln y माइनस ln z इंटू y ln z माइनस ln x इंटू z की पावर ln x माइनस ln y की वैल्यू आपसे पूछ रहा है कि क्या होगा। आपको मैं बता चुका हूं कि ln का मतलब होता है log बेस e, एक ही मतलब है, ln का मतलब है log बेस e, तो अपने को कोई दिक्कत भी नहीं है इससे। तो अगर ये सवाल अगर देखा जाए तो हम एक चीज एक प्रॉपर्टी जानते हैं एक्सपोनेंट फॉर्म का, एक प्रॉपर्टी ये जानते हैं हम कि a की पावर x इंटू ए की पावर वाई इक्वल टू ए की पावर एक्स प्लस वाई हो जाता है, मतलब अगर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाता है। ये तब होता है जब बेस सेम हो, या हम एक प्रॉपर्टी जानते हैं कि ए की पावर एक्स इंटू बी की पावर एक्स है, तो अगर आपका पावर सेम है तो बेस मल्टीप्लाई हो जाता है, मतलब ए बी की पावर एक्स। तो ये तो तब है जब या तो आपका पावर सेम हो या बेस सेम हो, यहां देखा जाए तो ना बेस सेम है ना पावर सेम है, थोड़ा मुश्किल हो जाता है, थोड़ा मुश्किल, ऐसा नहीं कि इसको किसी अन्य तरीके से बना नहीं सकते, बट आप थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो क्या करते हैं इस सवाल के लिए कि पहले इसको आप लिखेंगे वही इस फॉर्मेट में कि पूरा का पूरा सिस्टम ई की पावर में जाएगा, जो पावर है वो आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, बेस एलन के साथ चला जाएगा। ध्यान से सुन लो फिर से क्या मैं बोल रहा हूं कि a की पावर x में जो है पूरा का पूरा अगर e की पावर में लेके जा रहा हूं तो पावर मल्टीप्लाई हो गया और जो बेस है वो ln के साथ आ गया, बेस है वो ln के साथ आ गया और पावर मल्टीप्लाई हो गया, करेक्ट है। तो देखो यहां पे भी जो आपको हम लिखेंगे e की पावर, जो ये पावर है वो आके मल्टीप्लाई हो जाएगा ln माइनस ln z और जो बेस है वो आके यहाँ पे आके x के साथ चला गया, ln x के साथ चला गया,
पावर मल्टीप्लाई हुआ, एक्स जो है एलन के साथ चला गया, इनटू ऐसे यहां भी ये पावर आके मल्टीप्लाई हो गया एलन जेड माइनस एलन एक्स, और इनटू आपका हो गया एलन वाई, फिर इनटू ये आपका है ई की पावर, यहाँ पे ये पावर आके मल्टीप्लाई हो गया एलन एक्स माइनस एलन वाई, और इनटू यहाँ पे आ गया एलन जेड। अब जरा देखो तो इसको जरा सॉल्व करते हैं क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा आपका e की पावर में l। अब देखो इसको थोड़ा मल्टीप्लाई, देखो सभी का बेस सेम हो गया तो हम क्या करेंगे, पावर ऐड हो जाएगा। ऐड कैसे होगा, हम इसको ना एक साथ में पहले ना एक्चुअल में हम आपको देखो ऐड भी कर देते हैं यहाँ पे। मेरा मन था कि मल्टीप्लाई भी करूँ लेकिन मल्टीप्लाई मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अननेसेसरी बहुत ज्यादा लिखना पड़ेगा, वो आपको मल्टीप्लाई करते समय मैं ऐड करते समय मल्टीप्लाई कर दूंगा। यह है आपका एल एन वाई, फिर प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये है एल एन एक्स माइनस एल एन वाई और इंटू एल एन जेड। जरा देखो तो पावर ऐड हो गया तो क्या बन गया यहाँ से, जरा देखो तो एल एन वाई एल एन एक्स प्लस वाला है, कहीं एल एन वाई एल एन एक्स माइनस वाला है क्या, देखो ये इसको काटा एल एन एक्स एल एन वाई, जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो एल एन एक्स एल एन वाई, और ये भी मल्टीप्लाई होगा तो एल एन एक्स एल एन वाई, प्लस माइनस वाले को काट दिया। देखो एल एन जेड एल एन एक्स ये माइनस वाला है, कहीं प्लस वाला है क्या, देखो तो ये आखिरी में ये प्लस वाला है तो आपका आ गया यहाँ से, फिर यहाँ से देखो ये एल एन जेड एल एन वाई प्लस वाला एल एन जेड एल एन वाई माइनस वाला है, इसको काट दिया तो सब कट गया, क्या बच गया ऊपर में ये e की पावर में, सब ऊपर का कट गया, क्या बच गया अपने पास e की पावर में जीरो, आंसर क्या आ गया वन। तो यही आपका आंसर हो गया कि आंसर हमने निकाल दिया वन। देखो बिल्कुल ठीक सवाल है, इसके ऊपर बिल्कुल सटीक बैठता है कि इस कॉन्सेप्ट के ऊपर कि अगर आपका सवाल नहीं समले किससे कि आपका ए की पावर एक्स से सवाल बनाने में कठिनाई हो रही हो तो हम क्या करेंगे उसको ई की पावर में लिख लेंगे। ई की पावर में लिखने का तरीका मैं बता चुका हूं कई बार कि ये चीजें आपका पावर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, बेस आपका एल के साथ चला जाएगा, बिल्कुल फंडामेंटली दिल को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगले सवाल पे आते हैं जरा हम लोग, एक और प्रॉपर्टी में आपका पढ़ा था आपको, आपको याद हो तो एक और प्रॉपर्टी पढ़ाया था क्या, कौन सी कि अगर आपका ये लॉग ए बी है तो ये वन अपॉन अगर मैं इसको भेजूंगा तो बीस और बी बेस और ये नंबर आपका चेंज हो जाएगी, एक्सचेंज हो जाएगी। तो इस प्रॉपर्टी का भी देखो, अगर या हम कहें कि अगर ये नंबर है इनको ऊपर लेके जाऊंगा तो ये आपका बेस और ये नंबर चेंज हो जाएगा। इस प्रॉपर्टी के ऊपर भी एक सवाल कर ही लेते हैं, जैसे क्वेश्चन है अपने पास कि सपोज कि सवाल में दे रखा है कि भाई आपको वैल्यू बतानी है वन अपॉन लॉग बेस रूट बी सी ए बी सी प्लस वन अपॉन लॉग बेस रूट सी ए ए बी सी प्लस वन अपॉन लॉग रूट ए बी सी। तो अगर ये सवाल लिखा है तो कैसे इसको बनाएंगे, क्या करेंगे इस सवाल के लिए, जरा देखो। तो अगर देखो यहाँ पे अगर हम चाहें कि कुछ करना चाहें कि क्या इस सवाल के साथ अपन लोग कुछ कर सकते हैं कि नहीं, तो अपन लोग अगर इसका एलसीएम लेंगे तो एक बहुत बड़ा अपना झमेला बन जाएगा कि एलसीएम बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा, पहली बात। दूसरी बात कि अगर बेस सेम होता, एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ा था कि लॉग बेस ए एम प्लस लॉग बेस ए एन, मैंने कहा था बेस सेम होगा तो ये दोनों आपका मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो अगर बेस सेम होता तो मल्टीप्लाई भी हो जाते, यहाँ पे बेस भी अलग अलग है, सेकंड वो डिनोमिनेटर में भी है न्यूमरेटर में नहीं है तो दिक्कतें हैं, इसलिए अगर मैं इसको नीचे से ऊपर भेजूं आइडिया कहाँ से आता है, वो बिल्कुल यही फंडामेंटली आइडिया है कि अगर ये नीचे से ऊपर जाएगा, ये नीचे से ऊपर जाएगा, देखो इसका भी बेस एबीसी हो जाएगा, इसका भी बेस एबीसी हो जाएगा, इसका भी बेस एबीसी हो जाएगा, सभी का बेस एबीसी हो जाएगा, इसलिए बेहतर है कि एक बार ट्राई किया जाए इसको नीचे से ऊपर भेजने का। तो ये बेस यहां आ गया प्लस ये हो गया आपका लॉग ए बी सी रूट सी ए, और यहां आखिरी वाला हो गया लॉग ए बी सी रूट ए बी। अब जरा बताओ तो क्या यहाँ से सबका बेस सेम हो गया, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं क्या कि ए बी सी इंटू रूट बी सी रूट सी ए रूट ए बी। जरा बताओ तो कितने बी,
देखो 2b b स्क्वायर, b स्क्वायर अंडर रूट से बाहर आ गया, 2a 2c, यानी पूरा एबीसी का होल स्क्वायर है उड़ गायब हो गया अंडर रूट। मतलब मैं एक लाइन लिख भी देता हूं यहां से, एबीसी अंडर रूट एबीसी का होल स्क्वायर, और ये एबीसी बाहर आ गया, ये हो गया। यहां से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि लॉग ए बी सी, और यहाँ यहाँ दोनों सेम हुआ था, आपकी आंखों में एक चमक पैदा होगी कि सर जी 1 होगा। आ रही बात समझ में? तो आंसर हो गया 1, ऐसे इसका भी आंसर आया 1, तो दोनों ही सवाल का आंसर 1 है। उससे कोई ताल्लुक नहीं है, मतलब दोनों का कोई दूसरे से कनेक्शन नहीं है, बट फिर भी इसका आपका ये प्रॉपर्टी का यूज है कि अगर आप इसका डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लेके जाते हो तो वो आपका बेस और वो नंबर एक दूसरे से इंटरचेंज हो जाती है, पहली बात। दूसरी बात कि सर ये ऐसे, ये तो सिर्फ एक पर्टिकुलर सवाल में दे रहा हूं, ऐसे बहुत सारे सवाल मिलेंगे कि यहाँ पे 1 upon ABC, फिर यहाँ पे आपका रहेगा 1 2 3 4 5, यहाँ 1 तो नहीं रहेगा लेकिन 2 3 4 5, ऐसे ही आपका n नंबर तक दे देगा और बोलेगा इसकी वैल्यू बताओ। तो वही चीज आपका एबीसी यहाँ है, तो इसको नीचे से ऊपर भेजो और सबको मल्टीप्लाई कर दो, आंसर लगा दो। बात समझ आ रही है? ये भी आपको सर सवाल मिलेगा क्या कि यहाँ पे कुछ रहेगा सेम, यहाँ पे नंबर डिफरेंट होती जाएंगे, 2 3 4 5 10 20 50, ऐसे कुछ लाइक यहाँ पे मान लो कि 7575 लिख दिया और यहाँ पे कुछ ऐसे ऐसे नंबर्स लिखा जिनका मल्टीप्लाई करने से ऊपर जाके मल्टीप्लाई करने 7775 हो रहा हो, ऐसी भी सवाल आपको मिल सकता है। बात समझ आ रही है? अब आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बात करेंगे।